नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्धिस्ट सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आगिली राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ते कार्यक्रम आप हर एक दिन ठीक इतने समय से देख सकल जत, जेमे हमन के समाज में रहल विकृति विसंगति हटा के असल सभ्य समाज के निर्माण के लिए हमरे का करे परी, एक संबंध में हमरे चर्चा कल जत। और साथ में जाके हमन के कौन भी क्षेत्र में सफल बेल व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान करे, साथ में वहाँ के प्रत्यक्ष सहभागी करा के हमरे वहाँ से बातचीत भी कल जत। ते ने हमरे कौन भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे हमरे का करे परी, तमाने साधन और सूत्र के बारे में जानकारी लेख भी कोशिश कल जत। कार्यक्रम संग्री अवधिवर साधल जी कहे से आपके साथ में रहते कार्यक्रम भी संपन्न हो नहीं सके, विश्वास बा कार्यक्रम अवधिवर साधल जी आज हमरे चर्चा करे जौन की नेपाल बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक राष्ट्र हो, ढेर समुदाय के व्यक्ति बाटी, चाड़ पर्व भी फरक बा, हर एक धर्म मानने वाले बाटे हमन के देश नेपाल में, यानी कि हमन के नेपाल में ढेर समुदाय के व्यक्ति रहने के साथ में विश्व के तुलना कर जा ते हमन के देश नेपाल में कहा जाते एठू सबसे ढेर जाति भल के हमन के राष्ट्र, ओकर साथ में हमन के सबसे ढेर भाषा भल के हमन के राष्ट्र संस्कृति एकदम ही ढेर हमन के चाड़ पर्व मनाना एकमात्र हमन के मुल्क हो देश नेपाल हमारे कह सकल जी। हर एक समुदाय के अपन भाषा बा, हर एक समुदाय के अपन संस्कृति बा, चाड़ पर्व बा, यानी कि हमन के वर्ष के ढेर चाड़ पर्व मनाल जाला। ते अब हर एक समुदाय में जोन अपन अनेक किस्म के भाषा बा, अपन अलग मौलिकता बा, फिर भी हर एक समुदाय के व्यक्ति हर एक चाड़ पर्व मनेले के बावजूद भी सद्भाव कायम बा। कल के मतलब कि नेपाल एकमात्र ऐसा मुल्क हो जोन की सबसे ढेर भाषा बोले वाला, सबसे ढेर संस्कृति, सबसे ढेर चाड़ पर्व मनाना मूल नेपाल हो। ते ऐसा हमन के गर्व करे विषय हो कि हमन के साझा फुलबारी हो, हर एक समुदाय के हर एक धर्म माने वाली भी व्यक्ति बाटी, बकिन के एक दूसरे से सद्भाव कायम बा। नाग पंचमी सम्पन्न हो चुकल बा, अवसी सुकुआ के मुहर्रम हमरे पर्व एक कह के चिन्ह जाते, यानी कि इस्लाम धर्मावलम्बी लोगन के ई पर्व हो। फिर भी अब एमा एक ठू इस्लाम भर न हो के हरेक जाति आजकल देखा जाते मनात बाटी, ते इकर अपन अलग महत्व बा, सद्भाव कायम बा। काहे इस्लाम धर्मावलम्बी लोगन के ई पर्व हो, फिर भी हरेक जाति आजकल देखा जाते मनात बाटी, ते इकर अपन अलग महत्व बा। ताशा के साथ में बजाते, खुशहाली मनाते और गीत गाते करबलहा पर ले जाके चरण बा। लकड़ी के प्रयोग करके बाहर से रंगी बिरंगी कागज़ से बनाल जला, जे कि हमरे तजिया के नाव से चिन्ह जाते कि ढेर समुदाय के व्यक्ति मना रहा बाटी। और एक दिन के पहले एकदम बढ़ियन से तैयार के लिए रहने और संजा के एक चौकी बहिया के कही किए कहने दोपहर के समय में करबला पर ले जाके चरण बा। मुहर्रम के पावनसर में दोपहर के करबला रहला, वहाँ जाके फतेह विधि पूर्वक पूजा आजा कह के कुछ घड़ी वहीं रख के कुछ घड़ी पाछे नदी में यानी कि जलाशय में शुरुआत चरण बा। एकर तमाने कारण बा काहे मनाने जोन जोन मानल सब पूरा हो कह के सब अपन से चाना कसम की खुशी के लिए अपन बनावल जाला, हमन के लोग खुशी रहला सब बनावला। वाड़ा नंबर 4 रोहड़ी गांव पालिका हद्दीस नाम हो, हमन के विचार ये हो हमन के मुसलमान के धर्म के ये सब अपन दीन इस्लाम खातिर गर्दन कटा देना। शुरुआत कहले मतलब इनके जब चाँद हमन के देखा जाला मुहर्रम के तब बस इन्हें हमारे गम मनावल जाला। 27 के दिन केरा कटाला, 28 के दिन जौन बा छोट बाबा एक ठो डरिया वाला मचिया पर के कहला, और बाद नवमी के बड़ा बाबा इन्हें निकल हैं गस की जमीन में। आज 12 बजे के समय में इनकी मनो रूह परमाना कही गई,
आज नहीं हमरे करबला ले जाके करबला के स्थान पर जैसे मस्तान घाट वाला ना जगह है, हर हर धर्म के अपन अपन जगह पर वहाँ करबला ये लोग के स्मशान घाट बने बुझल गए। हम वहाँ राख के वहाँ धाई के अपन जेकर जौन कहे सुनी रही कही सुनी रोई गड़गड़ाई ओकरे बाद ले जाके नदी में दफन कर आज जाए तो अपन लोहपान सुन गई हैं क्यों नियाज फातिहा करी हैं सब कराई बनो वहाँ अपन इनके हक में दुआ दरूद पढ़ के अपन जवन वहाँ के बाबा बाट हैं मनो जाने माने वाला जवान बाबा हमारे कहा जला वो अपन दुआ दबी पढ़ के वहाँ जवन भाई उठो अंडा धैल रही अंडा में सब कुछ वहीं धरा के वहीं सब सेहरा होला तो नहीं वह दफना जाए परिवारी बाबा के नदी में दफना के अपने घर तो बाबा के नाम पर हाथ गोड़े सब जोड़ला केहू बे औलाद वाला बा केहू रोगी बा केहू अन्य व्यक्ति मुद्दा मामला बा केहू पढ़ाई में बा अपन अपन सिर पटकल उनका यानी पूरा हो गए वही खुशी में केहू मन ले रही दू साल केहू मन ले रही हम जिंदगी भर मनाई केहू पाँच वर्ष बनाई वही किस्म हम तो बनावे के अब का कही पहले से शुरुआत में हमें तो ज़्यादा दिन भाई काले मतलब बाल बच्चे नहीं रहें इच्छा पूरा हो गई हमारी विचारों रह जब तक अपन जीवन रही तब तक इनके सेवा में लगल रह। अब खास हुए मानता कहा जाए लकड़िए हो लकड़ी से घोड़ा बनल हड्डी हड्डी जोड़ल गए हर जगह जगह पर उके मानल गए सुतरी से डोरा से ओकरे बाद पर्दा एक लगा गया साटे के ओकरे बाद कागज लगा गया ओकरे बाद जौन जौन आज तौन तौन बना के इन्हें सब सुंदर बना के अपने मानसा से अक्सर कही के जौन बा दस दिन इनके गम में जौन होला इनके नेत से इन्हें मौन होके मना चाहे मृत्यु हुई है ना गम में तो गम हो। अब जैसे मान लिया जाए हमें दस ठो मुसलमान बाटा दस ठो हिंदू बाटा अब इनके पाछे जौन बा हमन के वेद कहाला ताशा ढोल न बजा अब केहू अपन कौन खुशी में बजावल जाता वही जन माना तारा जेकर इच्छा पूरा भाई वो अपन मान नौता करता अपन बनावता अपन खुशी में बाजा गाजा के साथ ले जाके से रहो। धर्म एक ही हो सबके ईश्वर अल्लाह एक ही हो नहीं हमारे ना ही देखल गए अब ना ही देखले के बाद हम जन्म पावल गए अपन स्वार्थ के लिए एक स्त्री पावल गए स्त्री और पुरुष दुए जाति हो गए अब यहाँ आके अपन अपन धर्म अपन अपन विचार मान लिया जाए हमन के अपने माइक सेवा करे चाहे माइक सेवा नहीं कही जाता दादा माइक सेवा कही जाता भाई भाई अब दूसरे जन्म में जन्मल जाए कि ना जन्मल जाए ऊँ खेत बारी खातिर झगड़ा लड़ाई होता तो ई कुल ना हो चाहे जैसे हमन के तो आखिर अपने स्वार्थ खातिर अपने हमन के जीवन ना रहले पर एक तो लड़का जन्म हो जाता वो लड़का अपन विचारधारा का करी नहीं विचारधारा विचार यह कहला कि अपन चेता अपने माए बाप के गोड़ धरा आपन से बड़ा के नमस्ते करा बड़ा के देखा चाहे जौन हो उन्हें नमस्ते कैले वो थोड़ो ना कहीं भ्रष्ट हो जाए। अब आ गए हिंदू धर्म के कहे वाला दुर्गा जी ठीक बा उन्हें बनाई है सब लोग हिंदू उन्हें बनाई है लेकिन हमें कौनों बड़ा होता नहीं बा उन्हें हमारे ही हाथ जोड़ के कहा जाता दुर्गा माता जी हमें है यही चीज़ चाहे आई रोग हटावल जाए मुद्दम मामला हटावल जाए बाल बच्चा दिया जाए धन दौलत ये लेकिन अपन जीवन के हमरे ना ही कहा जाता कि कम मर जाए मोह माया लालच के जाल में हमरे फंस के लड़ल जाता झगड़ा कहा जाता मरल जाता ये आ जौन कि मानुष के जीवन केहू के उपकार कैल ठीक लड़ावल ना ठीक हमार विचार ही का सब जन की अपन अपन एक धारणा बा अब वैसे थी कौन भी हमारे धर्म मानल जात बा फिर भी अपन अपन एक सोच अपन अपन विचार कौनों की दूसरे की देखा सीखी से दूसरा जन मनात बाटी हम भी मनाई और कितने जने बाटी कि भाकल हमारे कहा जा मनौती रहला हमारा हर चीज़ पूरा हो जाते हम तजे बनाब कह के एक मनौती रहला आँसू भर या दुई वर्ष तीन वर्ष या जिंदगी भर बनाब कह के एक भाकल कहने रहने एक जन विश्वास बा कि जौन तमन्ना रहला पूरा हो जाला यानी जौन मनौती रहला पूरा हो जाला या पूरा हो क्रम जारी रहला ते अनुसार से उस सब जितना वर्ष के मनले रहने उतना वर्ष के लिए मनाने ते इतने भर ना हो के अब कौन जिंदगी भर मनाला ते ठू विश्वास हो Thank you.
हाम्रो मोहर्रम मेला भन्ने यो परापूर्व कालदेखि हाम्रो पुर्खाहरूले नै यो मुस्लिमको पर्व भए पनि थारूहरू हिन्दूहरूले पनि यसलाई आस्था राख्ने गर्छन्। यो परापूर्व कालदेखि जो लागिआएको यो बेहोरा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 अवस्थित यो करबला धेरै पुरानो, यहाँ प्रत्येक वर्ष यस्तै विगतमा धेरै ठुलो चाहिँ यहाँ जनसमुदाय श्रद्धालुहरू आएर यहाँ तजियाको मूर्ति बनाएर यसलाई आफ्नो मनौती भाकल भन्छन्, भाकल गरेर यो हाम्रो गर्ने चलन छ। प्राय जसो यो अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2 अहिले धेरै यसलाई डावाडोल स्थिति बनायो। मान्छेले अब आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरेर पनि यसलाई चाहिँ मान्ने गरिराखेका छन्। हामी पोहोर साल पनि यस्तै हल्का रूपमा मूर्ति विसर्जन गर्ने काम मात्रै गरियो। अब आउने दिनमा पनि यसको हाम्रो यो कोभिडबाट छुटकारा पाएपछि फेरि पुनः यो तजिया मोहर्रम चाहिँ भव्य रूपमा सञ्चालन हुनेछ। र अहिले चाहिँ हाम्रो श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई पनि मैले सन्देश दिन चाहन्छु, यो तजिया मोहर्रमको मेला भन्छन् हाम्रो, अहिले पनि अब यहाँ देखिराख्नु भएछ यहाँ अनगिन्ती तजियाहरू विभिन्न यो लगभग तिनवटा वडालाई समेट्ने गरी वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 12 र 10 हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकजीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा धर्म हिन्दूको, हामी हिन्दू भए पनि यसलाई यो तजियामा चाहिँ धेरै विश्वास राख्ने भक्तजनहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ मनोकामना पुरा पनि भएको छ भन्ने विश्वास छ। भक्तजनहरूको गर्वको पनि कुरा हो, हामी चाहिँ यसरी चाहिँ यो तजिया मोहर्रमलाई चाहिँ आस्थाको रूपमा मनाउँदै आएकोमा हामी पुनः मैले चाहिँ यहाँको उपस्थित भक्तजनहरूलाई म हृदयदेखि व्यक्तिगत धन्यवाद दिन्छु र यो टोल विकास संस्था, हाम्रो गरिमा टोल विकास संस्थाको मार्फत पनि मैले चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजन दर्शकवृन्द यहाँका छिमेकी सबै समुदायलाई म हामी एउटै कसैको धर्ममा कसैले पनि आस्था राख्न सक्छ भन्ने मान्यताको साथ म चाहिँ गर्न चाहन्छु, मान्यता राख्न चाहन्छु। कौनो ईश्वरके के कहला, कौनो भगवान ते, कौनो गॉड ते, कौनो अल्लाह, कौनो के भी पुकारल जा, बाकी वैसे अब हमारे सत्य काल के ते एक हो। ते वैसे नहीं अपन अपन विश्वास हो, कोविड-19 के कारण विश्व में भी असर पुगले से अब वैसे हर जगह में मेला ते नहीं लगे पात बा, यानी कि सामाजिक दूरी काम रखे के हिसाब से भीड़ भाड़ करे चलन नहीं बा। अब अपन धर्म भी छोड़े नहीं चाहिए, यही हिसाब से धर्म भी बचे, कहने की सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे काल के, मतलब कि अब हमन के धर्म भी बच जाए और कोनो प्रकार के गलत संदेश भी ना जाए हिसाब से अब थोड़े मात्रा में जो है तजिया के सिरवाए चलन बा। कल के मतलब मेला अब हर एक जगह में हमारे खासी देखे के नहीं पाल गल, बाकी इनका मन के छोड़े ना चाहें कह के झिर जगह करबलहा में भी हमारे देखे पाल गल ढेर तजिया रहे। ते अब कहा जाए अपन अपन सब जगह के धारणा हम कह चुकल बाटी, सब जन के अपन अपन मान्यता हो। ते अब जब हमन के तजिया करबलहा पर चल जाला ते ओमा कहा जा एक बतासा खाए वाला एक चीज हो, मिठाई हो, ते एक से अब जे मन ले रहला कि हम बतासा छिटब के ऊ भी बतासा कहा जा या वही में हल्का केतन जने बाटे चाउर मिला देने ये भी संगरी छिटक चलन बा। ते एक हमन के खुशी की बात हो, हमारे कौन भी धर्म मानल जा, हमारे कौन भी समुदाय के व्यक्ति होली फिर भी हमन के सब जने एक आपस में हाथ मिला के आगे बढ़े तब भर के असुर सभ्य समाज के निर्माण हो सके। हमारे के समाज में हर एक समुदाय के व्यक्ति बाटे, यदि हमारे के हर एक समुदाय के व्यक्ति एक आपस में
मिल मिलाप के साथ रहा जी, सद्भाव बढ़ा के आगे बढ़ल जी, ते हमारे को भी समस्या के समाधान कह सकल जी। कल के मतलब कि हमन के हर एक हिसाब से आगे हो सकल जी, तो आर्थिक हिसाब से भी हमारे संपन्न हो सकल जी, सचिव हिसाब से हमारे आगे बढ़ सकल जी, हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ते सभी समाज के हमारे निर्माण कर सके। प्रविधि के विकास संग्रह जो है आज के आधुनिक युग बा एकदम फड़को मार चुकल बा, यानी कि आगे बढ़ चुकल बा। अब हमन के हर एक संस्कृति अपन चल चलन वेशभूषा लवाई खुआई रहन सहन पहिरन भुलाते जल जाता, फिर भी हमन के कुछ मात्रा में बचल बा और हमन के बचा के भी रखे का आवश्यक बा। हमार नाम किसान राजा के विषय मन के एक विश्वास बा, जैसे भकल उकल होला कि हमार हर चीज़ पूरा हो जाए, तो हम आपके तजिया बना करके वह विश्वास से जैसे अब भकल रहा तो पूरा हो गई। वह अनुसार से अब हमार बना 3 साल हो गए, जैसे अब जहिया तक सका हाल के मतलब अब हमार जान से स्वास्थ्य रहे जहिया तक सका तहिया तक। साल बेटो तो जब तक सकल जाए 10 साल 12 साल पूरा हो गए इच्छा बनैबे करब, जब तक मन करी तब तक बनाए, सब जाति मनावल जाए, जात बिहार नहीं छुटियावल जाला, हमरे धर्म काल के उठी नहीं रहा, आ जेकर नहीं विश्वास बा ते नहीं मनाव, हमन के विश्वास बा हमरे मनावल जाए, हमरे नहीं छोड़ल जाए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज 2078 साल भदौ महीना 4 गते इस मुहर्रम अब यहाँ तो अब के तजिया अब सब जात जाति धर्म को मान्छे को आस्था एउटा भएको नाताले अब यो गर्नै पर्ने आउँछन्, अब सबैले यो गरिरहेको छन्, यसमा कुनै भेदभाव छैन। कर्बला बेहोरामा हामीले मनाइरहेको छौँ यसरी गरेर, अब यहाँ सबै जातिका तमाम धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यहाँनिर आफ्नो आफ्नो आस्था लिएर आफ्नो तजिया चढाउने हिसाबले चाहिँ ईश्वर भनेको सबै एउटै हो, जुनै तरिकाले जुनै तबकाबाट जुनै सिस्टमबाट आए पनि ईश्वर त एउटै हो, अल्लाह एउटै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै यहाँ कुनै भेदभाव कुनै जात जातिको चाहिँ नगरिकन यो तजिया मुहर्रम मेला हाम्रो मात्रै मुस्लिमको मात्रै होइन, यो सबै जात जाति धर्मको चाहिँ रहेछ, यो पुरा विश्वमै यो यसरी सबैले मनाउने यो एउटा चाड हो, एउटा पर्व हो। त्यसै कारणले हाम्रो यो बेहोरामा पनि तपाईँको यो मुहर्रम अनि मेलालाई अब मिलेन यो कर्णको उसमा तजिया मात्रै विसर्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम अलैकुम, मेरो नाम राफिया खान हो। आज तजियाको मेलाको लागि बेहोरा कर्बलामा आएका छौँ। हाम्रो धेरै वर्षदेखि मनाउँदै आएको छ, हामीले बनाएको पनि 6 वर्षभन्दा बढी नै भयो। अनि अहिले यति धेरै मान्छेहरू कोरोनाको टाइममा पनि यति धेरै मान्छेहरू जम्मा भएको हुँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। माहौल त राम्रो छैन, त्यही पनि सबैजनाहरू राम्रोसँग आइरहनु भएको छ, व्यवस्थित ढङ्गले धेरै खुसी लागिरहेको छ। यो हाम्रो तजिया हो, हामीले यसलाई बढाउन कमसेकम 10 दिन जति लागिसकेको छ। हाम्रो परिवारहरूले सबै मिलेर हामीले बनाएको छौँ। यो मुस्लिम धर्मको मात्र नभएर सबै धर्मावलम्बीहरूले मनाउने एउटा रमाइलोको रूपमा सबैको रूपमा सबै मनाउने गरिरहेका छन्। अब एकैछि हामी के कहाँ देखाते जोनी तजिया मनले से कि एकठो हामी के जोन हरेक जात जातिके व्यक्ति बाटी हरेक हमन के समुदाय के व्यक्ति बाटी एकटू सद्भाव कायम रखले बा। ज्वलंत उदाहरण बा भर के हमरे सम्पन्न कल गेल तजिया यानी कि मुहर्रम, अब एम भी सब जात जाति के मनात बाटी भर के रक्षाबंधन अतवार के सम्पन्न हो चुकल, उसे हमरे पहले जनेपुरी में यानी कि हाथ में धागा भर बानिक चलन रहे, ते आजकल देखा जी हमन के ये रक्षाबंधन के भी अबेर हो चुकल, तब पर भी शुभकामना देख चाहल जाता हमरे बड़ी से मनाल गेल हो एकटू भाई बहन के जोन सद्भाव बा हरदम सद्भाव कायम रहे। ते ऐसे हमरे सम्पन्न कह चुकल बाटी ये रक्षाबंधन की भी अपन अलग महत्व रहे, जिससे अब ये भी हमरे कहा जाते पहले नेपाल में नहीं मानत रहने दक्षिणी भिक से अलग टू
ये प्रचलन हो ते ऐसे अब ये भी हमने के टू सद्भाव कायम रखले बा हमने के कहल जा कि कौन भी चाड़ पर्व हमारे मनाए जाला तो वहाँ विकृति न रहे और जब तक वहाँ हमारे विकृति रही तो वो चाड़ पर्व भी हमारे कि मनाए ठीक नहीं हो और हमारे कौन भी चाड़ पर्व मनाए जा वहाँ असल सभी समाज के लिए वो योगदान पुगात रहे कहल के मतलब कि हमारे कौन भी पर्व मनाए जा हमारे कौन भी चाड़ मनाए जा हमारे कौन भी त्यौहार मनाए जा ऊ हमारे त्यौहार मनाए जा जौन त्यौहार में विकृति विसंगति न रहे यानी कि बेकार चीज न रहे यदि हम बेकार बा ओमा ते हमारे ऊ न मनाए जा मनात रहल गिल हो तब वो छोड़ दल जा और बढ़िया चीज़ बात है हमने के मनाए जा फिर कौन बात नहीं कहे से हमने के वो भी सकारात्मक संदेश दे सकी ते हमारे भरके संपन्न कह चुकल बाटी के जौन रक्षाबंधन भाई बहन के जौन रिश्ता बा रिश्ता काम रख ले बैठू सकारात्मक संदेश हो विवाहित बहन बाटी भी नहीं आए के ओखन के मौका नहीं मिला ला ये रक्षाबंधन में भी आए के मौका पाने और भाई से भेंट मुलाकात होला जो नैहर के बाटी उस सबसे भेंट मुलाकात होला अपन जोन सुख दुख के बात आदान प्रदान करने तजिया यानी कि मुहर्रम कहा जा और भी एठू बढ़िया संदेश दहले बा हर एक जात जाति हमन की एक हो एक आवश्यक बा अपन अपन अलग धर्म अलग भाषा बा फिर भी धर्म कौन की एकलौटी नहीं हो कौन भी धर्म कौन भी मान सकल जला अब एमा ई धर्म हमारे भर हो हम भर माने परी के नहीं हो तजिया यानी कि मुहर्रम एमा भी अब हमने के सब जात जाति एक खोली कह के एक ठू बढ़िया संदेश यानी कि सकारात्मक संदेश दहले बा हर एक समुदाय के व्यक्ति हर एक वर्ग के व्यक्ति हर एक धर्म माने वाला व्यक्ति यदि हमने की समाज में बाटी ते हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़े ते जरूर हमने की समाज असल हो सकी यानी कि बढ़िन हो सकी हमारे कोनो भी विकास निर्माण के काम आगे बढ़ा सके यानी कि हमने की समाज में विकास हो सकी उन्नति हो सकी प्रगति हो सकी ते ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय समय हो गल बा ते आप देखल गल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके हृदय से धन्यवाद ऐसे कैमरा पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद दे जाते जाते राज के एक बात कोनो भी धर्म एकलौटी नहीं हो कोनो भी समुदाय के कोनो भी धर्म माना जातबा समाज में कोनो भी समुदाय के व्यक्ति बाटी हमने की सब जाति एक होली यानी कि हमने की हर एक समुदाय के व्यक्ति यदि हाथ में हाथ कांध में कांध मिला के आगे बढ़े असल सभी समाज के निर्माण हो सके यह कहा हम संचालक राज भी आपसे विदा होती देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन नमस्ते।